तो गाइस हमारी बाइक लॉक्ड एंड लोडेड है एंड वी आर जस्ट डूइंग सम कोल्ड स्टार्ट। ये होटल सियाचिन एंड वी आर लीविंग फ्रॉम हियर नाउ। आज थोड़ा लेट हो गया, 9:40 ऑलमोस्ट हो गया, आई मीन 10 बज गया निकलने में, बट इट्स ओके। आज का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 260-270 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ले। सो यहाँ से निकल के हम पहले रिफ्यूलिंग करेंगे और उसके बाद फिर निकल जाएंगे ले की तरफ। रास्ते में वी विल ट्राई टू कैच अप फॉर लामा यूरू मोनेस्ट्री ऑल्सो, बट नॉट श्योर बाय द टाइम वी रीच देयर अगर वो मोनेस्ट्री खुली होगी तो वहाँ के भी दर्शन कर लेंगे। तो गाइज आप देख सकते हो विशाल भाई पीछे पूछ रहे हैं पेट्रोल का पता। आगे भाग जाएगा पता नहीं, टूर लेना पड़ेगा। हाँ आधा किलोमीटर का। ओके आगे गोल चक्कर है, वहाँ से राइट, फिर एक यू टर्न सा आएगा डाउन, 200 मीटर पे पेट्रोल पंप है क्योंकि फिर आगे पेट्रोल पंप नहीं है। आप चलो आगे आगे। तो गाइज अभी हम जा रहे हैं फ्यूल भराने। आई थिंक कुछ फ्यूल पंप्स थे पीछे, वो छूट गया गलती से, शायद हमने एक डिटोर ले लिया, किसी से पूछा था हमने रास्ते में बट पता नहीं चला, शायद उन्होंने, उनको शायद ये नहीं पता होगा कि हमें फ्यूल पंप रिफ्यूल कराना है, तो उन्होंने जो रास्ता बताया वहाँ से कोई भी पेट्रोल पंप हमें नहीं मिल पाया। तो यही रीज़न है कि आगे जाके हमें 500 मीटर टू 1 किलोमीटर का डिटोर लेना है, उसके बाद हम पेट्रोल भराएंगे, क्योंकि अगर यहाँ से हम सीधा सीधा निकल गए सो इन दैट केस वी वोंट गेट एनी पेट्रोल पंप फॉर नेक्स्ट 100 किलोमीटर्स दोस्तों, और वी आर ऑलरेडी रनिंग लो ऑन फ्यूल सो वी नीड टू रिफ्यूल इमिडिएटली। तो गाइस फाइनली हमने फ्यूल अप करा लिया है और हम ले के लिए निकल चुके हैं। यहाँ से ले की डिस्टेंस कुछ अराउंड 205 किलोमीटर्स है। हमें फ्यूल अप कराते कराते काफ़ी डिले हो गया बिकॉज हमने जो रास्ता लिया था वो रास्ता जो है वो काइंड ऑफ अ आई डोंट नो बाईपास था या क्या था, बट उस रास्ते पे कोई पेट्रोल पंप नहीं थे एंड वी वर एग्जिटिंग कारगिल ऑलरेडी, और नेक्स्ट पेट्रोल पंप अराउंड 50 और 100 किलोमीटर्स के बाद होता, और इसी वजह से हमने सोचा कि लेट्स गो बैक 4-5 किलोमीटर्स, टेक अ डिटोर, फिल अप आवर टैंक्स एंड देन विल कंटिन्यू। सो ये सब करते करते हमें ऑलमोस्ट 11 बज गया, बट हाँ तो आज फाइनली आज वो दिन है, इतनी पिछले सात आठ दिन में आज शायद वो पहला दिन होगा जिस दिन हमने सबसे लेट शुरुआत की है, बिकॉज इससे पहले आई थिंक मैक्सिमम टाइम जो है वो हमने कर दिया था जल्दी शुरू। आई थिंक इसके पहले जो सबसे लेट शुरू किया था वो आई थिंक था नरसिंहपुर से जब हम चले थे एंड इट वॉज अराउंड 9 o'clock, बट अब जो है वो रिकॉर्ड भी टूट गया और आज हम 11 बजे ऑलमोस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ ट्विस्टीज स्टार्ट हो चुकी हैं। सो यहाँ पे मैं ब्रेक और इंजन ब्रेकिंग दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे ब्रेक पैड्स ओवरहीट ना हो। लेकिन एक सेकंड। सो बेसिकली इंजन ब्रेकिंग का मतलब है, मेरे मोस्ट ऑफ द भाई बहनों को पता ही होगा जो भी रेगुलर मोटरसाइकिलिंग करते हैं, बट इन केस इफ़ यू डोंट नो, तो इंजन ब्रेकिंग बेसिकली क्या करते हैं, जब आप स्लोप से डाउन हिल जाते हो तो आपकी बाइक की स्पीड ज़्यादा होती है, राइट, तो उस टाइम पे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए रैदर देन यूजिंग ब्रेक्स वी यूज़ गियर्स। तो हायर गियर्स पे बाइक की स्पीड ज़्यादा होगी, बट वहाँ यहाँ पर हम क्या करते हैं, इवन द बाइक इज़ गोना गो ऑन हायर स्पीड डाउन हिल, हम गेयर की स्पीड को रिड्यूस करते हैं। मीन्स अगर गेयर अभी फोर्थ पे है तो उसको थर्ड करेंगे, थर्ड पे है तो सेकेंड करेंगे। इससे क्या होगा कि इवन दो टायर टेंड्स टू गो ऑन अ हायर स्पीड स्टिल इंजन वोंट अलाउ इट, क्योंकि गेयर जो है वो लोअर है, तो डाउन शिफ्ट करने के बाद स्पीड कंट्रोल में रहती है, और स्टिल अगर इफ़ यू नीड टू कंट्रोल इट इवन मोर तब आप ब्रेक्स का यूज़ करें। इसका रीज़न ये है कि अगर आप हिल साइड पे या रीजन लाइक लद्दाख में बाइक चला रहे हो जहाँ पे लॉट ऑफ अप हिल एंड डाउन हिल स्लोप्स आते हैं, तो वहाँ पे फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ ब्रेक पैड जो होता है वो आपके ब्रेक को ओवरहीट कर सकता है जिससे आपके ब्रेक फेल हो सकता है। तो टू अवॉइड सच काइंड ऑफ ट्रिकी सिचुएशन वी यूज़ इंजन ब्रेकिंग विच इज़ हेल्पफुल इन दिस काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस।
गाइस एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, वी आर नाउ ड्राइविंग ऑन NH नंबर 1, नेशनल हाईवे 1. ओह मैन, ओह शिट, फक, खतरनाक डिसबैलेंस हुआ अभी. I don't know what the fuck just happened. और ABS ने बचा लिया. Holy fuck. Woo. ये चेनाब रिवर है क्या? नहीं पता. तो गाइस एक रिवर है, ये नीचे से जा रही है और ये ऊपर पहाड़ है और इधर अपनी बाइक है और ये रोड है. अगर आप में से किसी को भी इस रिवर का नाम पता हो तो बताना. हम लोग लामा यूरू अप्रोच कर रहे हैं और लामा यूरू को मूनलैंड भी कहा जाता है क्योंकि उसका शेप्स जो है, जो कलर ऑफ माउंटेंस देयर है, वो मून के जैसा दिखता है. आप देख सकते हो बिल्कुल बैरन नेकेड पहाड़ आपको दिख रहे हैं. ये सारे बैरन नेकेड पहाड़ जो है ये लामा यूरू माउंटेन रेंज के अंदर आते हैं एंड यहाँ से लेके मोस्ट ऑफ द लद्दाख रीजन में कलर्स ऐसे ही रहते हैं. हाँ, अगर हम जाते हैं नुब्रा की तरफ या हम जाते हैं सियाचिन की तरफ तब वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ी ग्रीनरी देखने को मिलती है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, हानले हुआ, पैंगोंग हुआ या फिर उमलिंगला हुआ, उन सब साइड पे जो माउंटेन के कलर्स हैं मोस्टली ऐसे ही रहेंगे, ऐसा मुझे पता चला है. बट व्हेन वी एक्चुअली एक्सप्लोर इट वी विल कम टू नो द फैक्ट. और यहाँ पे मुझे एक स्पीड इंटरसेप्टर देखा, तो डोंट ओवर स्पीड हियर. यहाँ पे लिखा है 60 की स्पीड लिमिट है. हमें वो रोड लेते हुए जाना है और यहाँ पे लग रहा है यार थोड़ी थोड़ी बर्फ गिर रही है. इज दैट ट्रू? बिल्कुल. ओ शिट, यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है. ओ मैन, भाई स्नोफॉल, स्नोफॉल हो रहा है भाई. मैं बोला मस्त, सब गजब. भाई साहब, तो लद्दाख ने हमारा स्वागत किया है स्नोफॉल से. नामिकला टॉप, हम नामिकला टॉप की तरफ बढ़ रहे हैं. क्या बात है. गाइस पासेस पे बहुत तेजी से मौसम बदलता है. अब देख रहे हो यहाँ पे हवा चल रही थी, ठंड हो रही है और वहाँ दूर में धूप दिख रही है और स्नोफॉल भी हो रहा है यहाँ पे. सो जितनी जल्दी हो सके पासेस से उतर जाओ. 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम वैसे भी हाई पासेस पे स्पेंड नहीं करना चाहिए, वहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है.
और हमारे बहुत सारे आर्मी के ट्रक्स यहाँ से जा रहे हैं, और ये देश के जवान हैं, और आई एम फीलिंग वेरी प्राउड, वेरी हम्बल्ड, क्योंकि इनकी वजह से ही हम हैं, ये नहीं तो हम नहीं। इनके करेज, इनके वैलर को सलाम है। जय हिंद, जय भारत। ड्राइविंग इन लद्दाख इज एन एंटायर न्यू एंड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो कि शायद दुनिया के और किसी कोने में आपको नहीं मिलेगा, एंड इट विल टीच यू अ लॉट एज वेल कि क्या करना सही है, क्या करना गलत है, और क्या करना बिल्कुल गलत है। और मुझे लगता है कि एज अ बाइकर, इफ यू नो थिंग्स यू शुड नॉट डू, देन ऑटोमेटिकली यू विल नो वॉट आर द करेक्ट थिंग्स टू डू। लामा यूरू इज अराउंड 39 किलोमीटर्स एंड ले इज 162 किलोमीटर्स। सो लामा यूरू अब ज़्यादा दूर है नहीं, हम देख, पता नहीं जब तक हम पहुँचेंगे तब तक मॉनेस्ट्री खुली होगी या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी। अच्छा, तो ये शायद भगवान बुद्ध का स्टैचू है यहाँ पहाड़ के ऊपर में, नहीं ये भी लेकिन कोई मॉनेस्ट्री लग रही है, पता है। कश्मीर टू कन्याकुमारी, इंडिया इज वन, यस दैट्स एब्सोल्युटली राइट। BRO, हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, लेजेंडरी ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी एक मॉनेस्ट्री लग रही है। थैंक यू जुले। वी आर अप्रोचिंग फोटोला टॉप नाउ, और पूरे स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं सब जगह पे, और यहाँ पे सडनली टेम्परेचर में अगेन बहुत ड्रॉप आ गया। ओह मैन, आपको धूप दिख रही होगी वीडियो में, बट स्टिल आई कैन टेल यू टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, और मेरी फिंगर्स जो हैं वो पूरी जम रही हैं। ग्लव्स पहना हुआ है मैंने, बट उसके बावजूद भी, ओह मैन दिस इज टू कोल्ड, ओह मेरी उंगलियाँ दर्द कर रही हैं। और वहाँ आप सामने देख सकते हो बर्फ से भरे हुए पूरे पहाड़ हैं वहाँ पर। इसकी हाइट कितनी है? 16,000 feet. So we are at 16,000 something feet, and that is the Lama Yuru Monastery, right on the top. So जाके चेक करते हैं अगर हम अभी विजिट कर सकते हैं, अगर still monastery खुली है, then we'll do that, or else we'll get a break for lunch. You can't.